Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. में सूरज ने आंखें माथे पर रख ली। शहर कायद में पारा 41 तक जा पहुंचा। शहरियों का बुरा हाल, हवा में नमी का तनासुब 10% रिकॉर्ड। गर्म मौसम और हीट स्ट्रोक के पेश नजर अस्पतालों में इंतजाम मुकम्मल। कराची पुलिस का चुरामार की गिरफ्तारी में नाकामी का एतराफ। मुकदमा सर्द खाने की नजर करने का मंसूबा बना लिया। तमाम मुकदमात एक क्लास करने की तैयारी। शरह फैसल में दर्ज 7 मुकदमात का रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जमा। चुरामार के खिलाफ मुतहदा की ख्वातीन अराकीन ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तवा असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज, कराची में चाकू वाला हाथ नहीं आता। जस्टिस दोस्त मोहम्मद का दौरान समाज सवाल, आईजी को हटाने के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। वकील का बर्जस्ता जवाब। के लिए हमारे अदलिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी अकीदा खत पे नबूवत पे सर्टिफिकेट को दस्तखत करवाना चाहिए। क्या कि ये माजी में ये लोग उस फिरके से ताल्लुक तो नहीं रखते थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नई बहस छेड़ दी। निजाम में तब्दीली लाने का मुतालबा। हमें सादिक और अमीन का सबक ना दिया जाए, टेलीफोन रिकॉर्ड ना करें, हमें लोगों ने मुंतखब किया। नवाज शरीफ के दामाद हम ये असेंबली में खूब बोले। नियाज़ी सर्विसेज के अकाउंट में 1,00,000 पाउंड से मुतालिक रिकॉर्ड नहीं मिल सका। इमरान खान नाअहली केस में नईम बुखारी के दलाइल, जो रिकॉर्ड आपके हक में हो वो मिल जाता है, दूसरा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस के रिमार्क। जमायमा को रकम अदायगी दस्तावेजात और मुतफरक दरख्वास्त पर हनीफ अब्बासी से जवाब तलब। नवाज शरीफ का केस टॉप गियर पर किया जा रहा है। बगैर ट्रायल वजीर आजम को नाअहल किया गया। तलाल चौधरी का बयान, जहांगीर तरीन वलायती किस्म के जालसाज है। इमरान खान से भी जालसाजी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। तमाम पाकिस्तान के सियासी लोग जो हैं, वो गिरफ्त में है। सिर्फ एक अनोखा लाडला है जिसको कोई कुछ नहीं कह सकता, उसको 100 गुना माफ है। वो अनोखे लाडले हैं और हम सारे जो हैं हम मुजरिम हैं। और मुजरिम क्या है जिनके खिलाफ सबूत ही कोई नहीं। मुल्क में तमाम सियासतदान गिरफ्त में हैं, मगर अनोखे लाडले इमरान खान को कोई कुछ नहीं कह सकता। आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। दानियाल अजीज का ऐलान। पाकिस्तान का पैसा चोरी हुआ, आवाम और इदारे हिसाब लेंगे। बाहर जाने वालों को वापस आना और जेल जाना पड़ेगा। साजिश का राग सुन सुन कर कान पक गए, अब पर्दा चाक क्यों नहीं करते। फवाद चौधरी बरस पड़े। नाअहल शख्स के पार्टी सरबराह बनने से तमाम मुंतखब नुमाइंदे अब नाअहल शख्स को जवाबदेह होंगे, जो खिलाफ आइन है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज से वज़रा लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। एहतसाब अदालत में पेशी के मामलात ज़ेरे गौर। मरियम नवाज इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गए। झूठी इश्तेहारबाजी से आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता, मुखालफीन को इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ का लाहौर में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस की तकरीब से खिताब। PIA तैयारा फरोख मामले की कौमी असेंबली में गूंज। डिप्टी स्पीकर का FIA को तहकीकात 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। PIA तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई, चोर को किसने भागने दिया, इंक्वायरी करेंगे। खुशी चाका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। PIA 400 अरब रुपए खसारे के बायस टाइटैनिक बन चुका। तबाही के जिम्मेदार मुलाजमीन और अफसरान हैं। मुशीर बराए हवाबाजी सरदार महताब की रिफर्निश 777 तैयारे की रवानगी की तकरीब के दौरान गुफ्तगू।
इलेक्शन कमीशन में आयशा गुलालाई के खिलाफ इमरान खान का रेफरेंस, रुकन असेंबली पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी हो चुकी। पॉलिसी के बरक्स वजीर आजम के इंतखाब के अमल में हिस्सा लिया, तहरीरी जवाब में गलत बयानी भी की, रिसीट किया जाए। कप्तान के वकील के दलाइल समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस, वकील की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम, आइंदा समाअत पर बाबा रेवान पेश ना हुए तो बगैर सुने फैसला दे देंगे, सरदार रजा खान का ऐलान, समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। बेनजीर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ पुलिस अफसरों, वफाक और पीपल्स पार्टी की अपीलें मुकर्रर, बाकायदा समाअत 25 नवंबर को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में होगी। एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब सिंध में रहने वालों की जिंदगी बदलेगी। मुस्तफा कमाल की मिशन सिंध के लिए निकलने से पहले मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखला एहसन इकबाल वाशिंगटन रवाना, अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल और वजीर दिफा जेम्स मैटिस के सी पैक मुखालिफ बयान का मामला उठाएंगे। भारतीय सरकार जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई, ताकत और जालसाजी से कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़े हल न होना अक़वामे मुत्तहिदा की नाकामी है, पाकिस्तानी मंदूब मलीहा लोधी का इजहार ख्याल। किश्तियाँ में 50 रुपए चुराने का इल्जाम, उस्ताद ने तालिबे इल्म को पीट डाला, तशद्दुद से पांचवी जमात का तालिबे इल्म बेहोश, वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मैदान सवाबी और सवात में कॉलेजेस की निजकारी के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर तालीम आतिफ खान के घर के सामने धरना दे दिया। फैसलाबाद में जरई यूनिवर्सिटी के तलबा का प्री एग्रीकल्चर डिग्री का इंट्रा बोर्ड से इलहाक न होने पर एहतजाज, मुतालबात तस्लीम न होने पर जुमेरात को बड़े मुजाहरे की धमकी।